नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों दोस्तों फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन मौर्य है और मेरे बारे में आप सब जानते ही होंगे कि मैं पेशेंट हूँ, कोलन पेशेंट, जिसको लाइफ टाइम के लिए बैग लग चुका है। तो दोस्तों आज एक ख़ास बात बताने वाला हूँ कि जो जिस सिचुएशन में मैं गुजर चुका हूँ, आज वही आपको बताऊँगा कि ये क्यों होता है। तो दोस्तों आप उसको जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा हौसला और बुलंद रहे और मैं ऐसे ही नई वीडियो आप सबके लिए रोज़ रोज़ लाते रहूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम वीडियो बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर मेरा जब इलाज ख़त्म हो जाता है, ऑपरेशन जब हो जाता है, तो हम देखते हैं ये चीज़ आम हो जाती है कि सर दर्द। दोस्तों सर दर्द जो चीज़ होती है कि सर्जरी होने के बाद में हम आराम करते हैं तो भी सर दर्द करता है, एनी टाइम मतलब सर दर्द बना रहता है। तो इस ये क्यों होता है दोस्तों? सर दर्द एक ऑपरेशन होने के बाद में आम बात हो जाती है। इससे ये क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है, थोड़ा उसमें बदलाव हो जाते हैं ऑपरेशन होने के बाद में, और मेडिसिन के वजह से थोड़ा उसमें चेंजेस हो जाते हैं ब्लड में, तो इसके वजह से हमारा सर दर्द बना रहता है। इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमको ज़्यादा आराम करने की आवश्यकता है। यह चीज़ नॉर्मल होती है ऑपरेशन होने के बाद में। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिले, उस डॉक्टर से मिले जो आपका ऑपरेशन किए हैं। अगर दोस्तों अगर नॉर्मल हो रहा है, तो आप कहीं पर छोटे मोटे डॉक्टर से ना दिखाएं, नहीं तो आपको वैसे ही छोटे लोकल दवाई देंगे, तो उसके उससे आपको साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। और ये चीज़ नॉर्मल होता है, कुछ दिनों तक रहता है, 2-3 महीने तक रहता है। फिर धीरे धीरे जितना आप आराम करेंगे, जितना आपकी बॉडी आराम कर लेगी, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमको कोई मेडिसिन नहीं लेना है बाहर से, और कुछ नहीं खाना है कि हमारा सर दर्द जो है ठीक हो जाए। ये चीज़ नॉर्मल है। हमको भी ऐसी सिचुएशन हुई थी कि हम जब मेरा ऑपरेशन हो गया था, तो हम 2-3 महीने तक ले ऐसे जो तो कितना सोएं क्या करें, मतलब एनी टाइम सर दर्द बना रहता है कि सर सर में धक धक सी। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा जग लेते थे, तो सर पीछे से सर दर्द आगे से पूरा एकदम चढ़ा रहता है, तो इतना फील होता है कि हम कोई मेडिसिन खा लें कि ताकि ठीक हो जाए। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना है, कोई कुछ नहीं लेना है, वो नॉर्मल है। धीरे धीरे आप जितना आराम अपनी बॉडी को देंगे, उतना धीरे धीरे आप ब्लड टेम्परेचर सही हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यही बात मैं आपको बताने वाला था। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमने क्या बताया। ठीक है दोस्तों, सर दर्द तो होता है ना दोस्तों, ये नॉर्मल होता है। ऑपरेशन नॉर्मल तो नहीं होता है, अगर एक तरीके से देखा जाए कि ऑपरेशन होने के बाद में नॉर्मल हो जाता है कि सर दर्द तो जो ब्लड में बताया कि कैसे क्या होता है। तो ये चीज़ तो दोस्तों है, हर इंसान को होती है कि ऑपरेशन होने के बाद में, या डिलीवरी, हर मतलब कोई भी पेशेंट हो, अगर उसका ऑपरेशन हुआ है तो सर दर्द तो होता ज़रूर है, चाहे 1 हफ्ते के लिए हो, चाहे 2 हफ्ते के लिए, चाहे 3 हफ्ते के लिए, 1 महीने। और धीरे धीरे जब जिसका रिकवर हो जाएगा, जो अब उसकी टेम्परेचर बॉडी की अच्छे से हो जाएगी, तो वो चीज़ जो होती है दोस्तों नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, ऐसे हमको हुआ था कि हम घबराए हुए थे कि यार सर दर्द होने लगा है, अब हम क्या करेंगे। तो फिर हमने ऐसे ही मतलब डॉक्टर से पूछा, तो ये चीज़ हमको भी बताया कि ये चीज़ जो होता है ऑपरेशन होने के बाद में नॉर्मल हो जाता है, कि हर पेशेंट को ये चीज़ होता है कि सर दर्द, ये चीज़ सर दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। आपको इसके लिए कुछ नहीं, मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लेना है, और अगर आपको कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप हमसे मिल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप कहने का मतलब है उनको कि ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है तो आप हमसे मिलिए। अगर आप कहीं अन्य जगह मिलते हैं, किसी अन्य डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वही अपनी दवाई देंगे जो रिएक्शन करने की क्षमता रखेगा, उस दवाई को मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट है तो वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आपको यही इन्फॉर्मेशन हमको देनी थी, ताकि आप अपने जो दिमाग का वो है टेंशन थोड़ा दूर हो जाए, तो हम इसीलिए वीडियो ये लाए हैं। तो वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं बाय दोस्तों। आज के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखो, और हम नई नई वीडियो से लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कुछ भी है, जो भी हो अच्छे के लिए होता है, और हमसे उससे बहुत ज़्यादा सीख मिलती है जो कुछ भी होता है हमारे साथ है, हमारे नज़र के सामने। तो बाय दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो शेयर कर देना उस पेशेंट को जिसको ऐसी दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, बाय।